किसी के दरबार में जो आता है अपना दुख दर्द भूलकर, सारी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नया ही इंसान बन जाता है। चीहू को भी आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसीलिए साई के दरबार में आकर उनसे माफी मांगकर अपना हाथ जलाकर वो अपनी भूल सुधारने जा रही थी। लेकिन साई अपने भक्तों के साथ कुछ बुरा कैसे होने दे सकता है भला? छोड़ दीजिए मुझे साई, मुझे मेरे कर्मों का दंड भुगतने दीजिए साई, मुझे छोड़ दीजिए। कर्म का फल भी कर्म के अनुपात में ही हो सकता है, और उतना कष्ट आप कर चुकी हैं। साई ने चीहू को रोका भी और उसको उसकी जिंदगी में आने वाली खुशियों का दरवाजा भी दिखाया, श्रीकांत के साथ उसका पुनर्विवाह करने का मार्गदर्शन कराया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि क्यों साईं ने जानबूझकर मेरा ध्यान गोविंदा की तरफ आकर्षित किया था। शिरडी आने के बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो इसी क्षण के लिए नहीं चिंता। चीहू और श्रीकांत के इस पुनर्विवाह से साई ने तो पुनर्विवाह की इस नई प्रथा का मार्ग चीहू को दिखाया, लेकिन चीहू का भाई कुलकर्णी पूरे गांव वालों के साथ साई का विरोध करने आ गया। ये लोग कौन होते हैं निर्णय देने वाले? आखिर आज भी मैं शिरडी का राजा हूँ। राजा, इस औरत को शिरडी से बाहर करो और फेंक दो किसी विधवाश्रम में, देखता हूँ कौन रोकता है हमें। मेरी बहन की खुशी की बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं वो ज़माने में विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, और उस हिसाब से देखा जाए तो कुलकर्णी का कहना सही है कि अपनी बहन की शादी मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी प्रथा नहीं है। कुलकर्णी चाहे जितनी कोशिशें कर ले, चीहू की शादी श्रीकांत से तो होकर रहेगी, और बहुत जल्द कुलकर्णी की सोच को भी साई अपनी लीला से बदल ही देंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।